हे फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का। ऊपर सब अच्छे होंगे और आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि हम कैसे कस्टम मोबाइल रिस्पॉन्सिव फुटर बना सकते हैं वर्डप्रेस में और एलिमेंटर की सहायता से। पहले मैंने हेडर बनाया था, अब कस्टमाइज मोबाइल रिस्पॉन्सिव, अभी मैं फुटर बना के सिखाऊंगा आपको। आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हेडर फुटर है, देख लिया आपने, ये हेडर फुटर है, इसको हम मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। यहाँ पर पहले हम इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट किया, मोबाइल में जाएंगे, ये देखिएगा मोबाइल सेक्शन में कहाँ है, ये आ गया मोबाइल रिस्पॉन्सिव सेक्शन। तो यहाँ पर देखिएगा पूरी वेबसाइट थी तो उसके अंदर तीन इनर सेक्शन थे, एक ही लाइन में, एक ही सेक्शन के अंदर, एक ही कॉलम, मतलब कॉलम तो अलग अलग थे, एक ही सेक्शन था पूरा। और अभी देखोगा हर एक सबका एक एक कॉलम बन गया, फुल विड्थ 100% हो चुकी है। मोबाइल रिस्पॉन्सिव में ये होता है, एक दूसरे की लाइन के नीचे आ जाते हैं तीनों चीज़ें। तो अभी हम इनको ठीक कैसे करना है, हम चलेंगे पहले टेम्पलेट्स में, एलिमेंटर के नीचे जो आ रहा है जहाँ पर हमें हेडर फुटर ठीक करना है। यहाँ पर जाके थीम बिल्डर आ रहा है, मैंने कस्टमाइज़ किया था तो मैंने थीम बिल्डर टेम्पलेट्स में जाके डिज़ाइन किया था हेडर फुटर। तो फुटर में जाएंगे हम, फुटर मैंने पेज बना लिया था, यहाँ पर गए एडिट पे गए, एलिमेंटर भी ओपन हो जाएगा। एलिमेंटर भी जब ओपन हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत आसान है, आप लोग आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी एक बार विड्थ होगी 15 और इसकी मान लो आप 30 30 मान लो एक तरीके से, नहीं 40 40 मान लो, या इसकी 10% मान लो, ऐसे मान सकते हो आप। और लेकिन मोबाइल रिस्पॉन्सिव में क्या होता है, 100 100% विड्थ होती है, तो हम इसको 10 20% या 15% देंगे। तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, मोबाइल रिस्पॉन्सिव में जाते हैं, फोन रिस्पॉन्सिव में, मोबाइल रिस्पॉन्सिव में आ गए। अभी देखिएगा ये आया है, पहले हम इसको इस पे आइकन पे क्लिक करेंगे और इसकी विड्थ को हम कर देंगे, यहाँ से ही छोटा बड़ा कर लेते हैं हम, वो ज़्यादा हो जाएगा, 25 करते हैं इसको, हम 75 या 70 के आसपास रखेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर जाते हैं, वो हम 70 कर लेते हैं। इसके आइकन बहुत बड़े हैं यहाँ पे, तो हम छोटा करने का ट्राई करेंगे। कॉलम की विड्थ मोबाइल में ही चेंज हो रही है, स्टाइल में जाएंगे, पेंसिल पे क्लिक करते हैं, स्टाइल पे अलाइनमेंट, तो इसमें ही रखते हैं, शेप्स कॉलम, तो स्टाइल में देखते हैं, स्टाइल में हाइट विड्थ होगी, बॉर्डर रेडियस हो गया, हाइट और विड्थ, तो यहाँ पर भी चेंजेस हो जाएंगे। तो अभी हम इसको छोटा सा कर लेते हैं, अभी ठीक है। एडवांस, एडवांस में तो चीज़ें कुछ करनी है, मोबाइल में ही हो जाएंगी। लेफ्ट राइट करना है तो मैं ऐसे लेफ्ट राइट कर सकता हूँ, तो यहाँ से पहले हम इसको लाइन बाय हट टुगेदर हटा देते हैं, यहाँ से लाइट से इधर होगा, माइनस में होगा नहीं, तो हम सोच रहे हैं हम पैडिंग ही देनी पड़ेगी फिर तो हमें, तो पैडिंग देने के लिए हम क्या करते हैं, इसको माइनस में कर देंगे फिर, छोटा तो साइज हमने कर ही दिया है। अभी ठीक है, 150 कर दिया है। ये बस फोन में ही, मोबाइल फोन में ही चेंजेस रहेंगे और इसको हम अपडेट करते हैं एक बार, यहाँ पर दिखाते हैं आपको रिफ्रेश करके। तो अभी देखिए कितना अच्छा हो गया है हमारा, ये ऊपर भी और नीचे भी आइकन्स पे हम चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर बदलाव आएंगे, अभी इसमें नहीं आएगा। और यहाँ पर अभी जो यहाँ पर ये आ रहा है कॉपीराइट वाला, इसको हम सेंटर में कर देंगे, छोटा करेंगे थोड़ा, इस वाले को हाइड करना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमें इस पर क्लिक करेंगे पेंसिल आइकन पे और सेंटर करेंगे और टाइपोग्राफी में जाके साइज को हम छोटा कर देंगे। अभी ठीक लग रहा है, सेंटर कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। तो हमारा फुटर बन के तैयार हो गया है, यहाँ पर गए रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर देखिएगा हमारा फुटर बढ़िया सा हो गया है एक तरीके से, ये देखिएगा, और यहाँ पर ये हेडर हो गया, फुटर हो गया। तो बहुत आसानी से हम क्रिएट कर सकते हैं। आपको वीडियो समझ में आया हो तो अच्छी बात है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। हमने वर्डप्रेस लाइव कोर्स का भी वो किया है कि हम लाइव सिखाएंगे, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।